हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? वेलकम बैक। शायद राजमा सबको बहुत पसंद आई। एक और डिमांड आई है, आज मम्मी पापा आ रहे हैं तो एक और डिमांड आई है कि मटर पनीर बनाया जाए सेम वैसे ही स्टाइल में। उनको काफ़ी पसंद आई थी राजमा, तो देखते हैं मटर पनीर कैसे बनेगा। तो हम जा रहे हैं मटर पनीर बना रहे हैं आज। अभी मैं थोड़ा ओनियन, टमेटो, चिली और गार्लिक स्टार्ट हो गया है मटर पनीर का प्रोसेस। अभी जस्ट थोड़ा पेस्ट बनाने के लिए ओनियन, गार्लिक, चिली, ग्रीन चिली, थोड़ा जीरा एंड टोमेटो, इसमें थोड़ा सा सौते करके फिर इसको ग्राइंड करेंगे ग्रेवी के लिए। बस ये हो गया, इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख देते हैं। लिया थोड़ा ग्रीन पीस, फ्रोजन वाला लिया था। इसको थोड़ा पहले हमने बॉईल किया कुकर में एंड देन उसको थोड़ा कोल्ड करने के लिए रख दिया। तब तक हमारा ये भी जब तक ठंडा होता है तब तक हम बनाते हैं लौकी। एक्चुअली हम वेजिटेरियन हैं एंड मोस्टली हम बहुत लेस जो स्पाइसेस होते हैं बहुत कम यूज़ करते हैं उनका, लाइक ना के बराबर। सो नॉर्मली हमारे घर पे धनिया पाउडर, टर्मरिक सॉल्ट एंड ग्रीन चिली या तो रेड चिली बहुत ही लेस उसको यूज़ करते हैं, उसमें ही हम सारा खाना बनाते हैं। सो आज हम बना रहे हैं पनीर, मटर पनीर, क्योंकि मेरी मॉम आ रही है, मॉम डैड आ रहे हैं। सो मॉम को पनीर खाना है एंड डैड थोड़ा डाइट में आजकल, तो उनको लौकी खानी है। सो आज हम दो रेसिपी बनाएंगे। हम तीन, मैं, मेरी वाइफ और मेरी मॉम के लिए पनीर। लौकी के लिए जस्ट हमने इतना ही यही यूज़ किया है, टोमेटो, ग्रीन चिली और थोड़ा सा जीरा, और उसमें हम थोड़ा सा मिलाएंगे राई। तो तेल ऑलरेडी गर्म हो चुका है। अब हम आते हैं इसमें तड़का। तो ये मार दिया हमने लौकी के लिए तड़का, बस इसमें हम थोड़ा बाद में थोड़ा मेल्ट होने के बाद लौकी मिला देंगे एंड फुलके फुलके मसाले एंड देन इसको बंद कर देंगे, फिर सीटी आने का वेट कर देंगे। ये बन जाएगी हमारी लौकी। अब चलते हैं पनीर की तरफ। पनीर को हमने क्यूबिकल काट लिया है, मसाला हो गया ठंडा, इसको हम करेंगे अब ग्राइंड। इसके लिए और लौकी हमारी चढ़ चुकी है, ठीक है। अब लौकी में हम करेंगे दो सीटी का वेट, तब तक हम करते हैं मटर पनीर की प्रिपरेशन। इसको हमने कर दिया है ग्राइंड अच्छे से, कितना अच्छा कलर आया है इसका। नाउ अब हम चलते हैं पनीर। तेल हो गया है गरम, अब इसमें हम डालेंगे हींग, तेज पत्ता, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची फॉर द कलर एंड उसके बाद जो हमने मसाला प्रिपेयर किया है। तो ये हमने डाला हींग, ये हमने डाल दिया इसमें तेज पत्ता, हम डाल रहे थोड़ी सी लाल मिर्च, इससे पहले ये जले हम पटक से इसमें डाल देते हैं अपना पनीर। अब इसमें हम रेस्ट ऑफ द थोड़े मसाले डाल देते हैं, लाइक नमक अपने टेस्ट के अनुसार, थोड़ा सा इसमें हमने, ये हमारा मिक्स मसाला है, ये हम घर पे ही बनाते हैं। इसमें हमारे सारे काली मिर्च, धनिया, एवरीथिंग इसमें ही मिक्स होता है। सो हम इसको वन टाइम बना लेते हैं। थोड़ी सी हल्दी एक्स्ट्रा डाल देता हूँ मैं तो, थोड़ी सी लाल मिर्च। ये लाल मिर्च हमारे घर की है, जो हमारे खेतों में होती है गाँव में, उसको हम वहाँ से लेके आके इसका पाउडर करके यूज़ करते हैं। हम मार्केट, ये मार्केट से लाल मिर्च नहीं लेते। अब करेंगे थोड़ा वेट इसके पकने का, बाद में इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी क्रीम और फिर इसको थोड़ा पका के इसमें करेंगे मिक्स मटर एंड मटर पनीर। हमने डाल दिया थोड़ी सी क्रीम, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा
क्रीम से इसे टेक्सचर और थोड़ा ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, इसलिए हम थोड़ा ये डाल रहे हैं। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बस ऐसे ही मम्मी से देखते देखते सीखा है। थोड़ा इधर मैं जहाँ भी जाता हूँ देखता हूँ लोग कैसे बनाते हैं, तो थोड़ा सीख लेता हूँ। तो अभी तक मेरी फैमिली ने ही ट्राई किया और मेरे दोस्तों ने, तो उनको अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई दे डिमांड कि आज आप बनाओ आप बनाओ। कभी कभी मैं अच्छा लगता है किचन में जाना, सो इसलिए मैं ये कुकिंग करता हूँ। आई थिंक मसाले ने अपना कलर देना चालू कर दिया है, सो अब हम इसमें डाल सकते हैं अपना मटर एंड पनीर। सो मटर इज़ ऑलरेडी हियर, सो इसको हम इसमें मिक्स कर देते हैं तरीके, इसको थोड़ा मिक्स कर देते मसाले के साथ। और अब इसमें डाल देते हैं जो पनीर हमने कट किया क्यूब्स में। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, उसके बाद हमने इसमें डाल दिया थोड़ा सा पनीर मसाला, क्योंकि आप मार्केट से नहीं ले सकते। बस इसको मिक्स करके इसमें हल्का सा हम पानी मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं। अगर आपको ड्राई लेना है तो, हम इसको चपाती के साथ लेने वाले हैं इसलिए हमने इसको ऐसा लिया है। सब कुछ मिक्स करने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, हार्डली 5 मिनट में इसको पका के फिर बंद कर देंगे। तब तक देखते हैं हमारी लौकी का क्या हाल है। ये बन गई बड़ी टेस्टी है, मम्मी पापा भी आ गए हैं, तो चलो उनसे मिलते हैं। सी यू बाय। ओ तूने जय नहीं करा। नीति आ जय। कौन आया कौन आया कौन आया? दादा दादा तो चल चिल्ला रही है कल से। कौन आया? दादा आए, दादा आ गए, दादा आए। दोस्तों 5 मिनट हो गए हैं और अपना पनीर ने रंग भी दे दिए और टेक्सचर भी दे दिए और खुशबू भी दे दी है। दोस्तों अपना मिशन सक्सेसफुल हुआ। सो अब थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।